तो अभी हम लोग आ चुके हैं जम्मू बस स्टैंड के आसपास, ऑटो स्टैंड बोल सकते हैं। तो इधर जीआरपीएफ सब लोगों को पूछे कि कहाँ से जाएंगे, तो वो लोग बोल दिया कि बाहर जाओ, सामने वाला ज़्यादा पैसा लेता है। तो ये मेरे पीछे जो रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते से हम लोग आए थे। तो अभी जाएंगे कि इधर जो बस वगैरह छोटा मोटा बस श्रीनगर के लिए भी जाता है, सब जगह जाना चाहेंगे तो यहीं से जाते हैं। तो इधर ऑटो वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, आप लोग अगर जाना चाहेंगे तो जैसे ऑटो शेयर ऑटो करके आप लोग जा सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए हम लोग निकलते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम लोग बताएंगे। जम्मू में हम लोगों का स्वागत हुआ चेकिंग से, और इधर देखिए इंडिया का फ्लैग फिर से दिख गया, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो जो भैया हम लोग के विकास भैया मिला हम लोगों को, वो सब कुछ बताते हुए जा रहे हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया झरना आएगा, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो प्लीज अभी हम लोग आ गए हैं सीधा जम्मू स्टेशन के बाद, उधर से ऑटो पकड़ा, पर्सन लिया 50 रुपया। तो इधर आके ये वाला ट्रैवलर हम लोग बुक किए हैं, तो जिसमें हम लोग जाएंगे पहलगाँव तक। तो इसमें हम लोगों का शेयरिंग लगा 1000 रुपया पर पर्सन। तो चलिए अभी के लिए तो इतना ही। 2:12। तो ये है जम्मू बस स्टैंड, जो कि इधर से पहलगाँव श्रीनगर जाने वाला बस छूटता है, 2:30 से छूटना स्टार्ट हो जाता है। ये रहा इलेक्ट्रिक साइकिल जो इधर लगा हुआ है, इधर QR कोड भी दिया हुआ होगा शायद, तो इसमें अगर जाना है तो ये QR कोड में पेमेंट करना पड़ेगा, फिर ये लॉक खुलेगा, फिर आप लोग लेके जा सकते हैं। ये बढ़िया है, इधर आके ये देखने को भी मिल गया। चलिए पहले श्रीनगर जाने से पहले ये एक चेक पोस्ट है, इधर गाड़ी वगैरह सबको रोक के रखा है, हम लोगों का गाड़ी भी रोक के रखा है। जो लोकल है उन्हीं को छोड़ेगा, नहीं तो किसी को नहीं छोड़ेगा। यहाँ एक पोर्ट है, 20 किलोमीटर आके ये रुका दिया। तो चलिए आगे कब छोड़ेगा वो देखते हैं। ये बंदर कैसे सोए हुए हैं, और एक बंदर उधर मूतने गया। उसके बाद एक फास्ट टोल मिला, एक चेकिंग मिला था उधर से, अभी 4 बजे छुटा है, आधा घंटा आए और ये वाला टोल मिला। अब फिर आगे जाना है हम लोगों को, तो चलिए आगे मिलते हैं। कहीं बैठने का जगह भी नहीं है, एक भैया था उनके वजह से छोड़ दिया, नहीं तो 5 बजे से पहले किसी को नहीं छोड़ दिया। आगे जाके और भी अच्छा बढ़िया नजारा मिलेगा, तो चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है। वहाँ पर आया है लैंड स्लाइड, अभी रोड साफ हो गया है, रोड साफ हो गया है, इसने साफ किया है। कितना किलोमीटर का है, भैया कितना किलोमीटर का है? तो ना 9 किलोमीटर। तो भैया बोल रहे हैं कि 9 किलोमीटर का टनल है, 9 किलोमीटर ख़त्म, अभी टनल से निकल रहे हैं। हो रहा है
बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग इधर से मिल गया देखने को। इधर टनल के पास ही रुकवा दिया गया है आर्मी वालों और जेके पुलिस ने, क्योंकि सामने कहीं मतलब लैंडस्लाइड हुआ है, पता नहीं कहां तक जा पाएंगे। अभी के लिए तो इधर ही खड़े हैं, सब गाड़ी इधर लाइन में लगा हुआ है। देखिए सीन दिया जा रहा है, भैया ले रहा है, हम अभी नहीं लेंगे। सिर्फ आधार कार्ड लगेगा और 350 रुपया लगेगा। फिर हम लोगों को रुकाया गया था, ये इधर से हम लोग पैदल जा रहे हैं जहाँ तक लैंडस्लाइड हुआ है, उसके बाद हम लोग पैदल जाके उधर से गाड़ी मिलेगा तो उधर से गाड़ी लेके निकल जाएंगे। तो बहुत देर तो ऐसे ही कर दिए हम लोग, तो देखते हैं क्या मिलता है ना मिलता है। और पीछे तो भैया आ रहे हैं, उनको भी बोल दिया है। चलिए उस पार हुआ है लैंडस्लाइड जहाँ हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, और तो कोई बाइक भाई कुछ नहीं जाने दे रहा है अंदर। चलिए जाते हैं। वो अभी भी हो रहा है देखिए, इसीलिए वो रास्ता नहीं खुल रहा है, तो आगे जाते हैं देखते हैं। रहे होंगे लैंडस्लाइड हो रहा है जिसके लिए हम लोगों को जाने आने का पाबंद हो चुका है अभी कुछ दिन के लिए, दो तीन दिन में कुछ नहीं होगा, इसलिए हम लोग डिसाइड किए कि पैदल ही जाएंगे। ये सब एक साथ आए थे, एक साथ जा रहे हैं पैदल, उस पर गाड़ी वाड़ी मिलेगा तो निकल जाएंगे। वो गिरने वाला है अभी, वो देखिए पत्थर गिर रहा है ऊपर से, देख पा रहे होंगे, यही दिक्कत की बात है। और इतना मटेरियल हटाना एक दिन के बाद में नहीं है, दो चार दिन तो लगेगा ही लगेगा। तो फिलहाल हम लोग अभी पैदल आए हैं और इधर से निकल जा रहे हैं, तो जो भी है हम लोगों को दिखाए हैं। तो अभी कश्मीर के सेब बहुत मीठा है, और एक गाड़ी लेके जा रहा था भैया, तो उन्होंने बोला कि लेके नहीं जा पाएंगे, तो वो तो बंद हो गया है रास्ता, पीछे भी नहीं जा पाएंगे और आगे भी नहीं जा पाएंगे, तो हम लोगों को दे दिया। तो जम्मू रामबन ट्रेन पकड़ने के लिए बानीहाल स्टेशन आए, और बानीहाल स्टेशन से हम लोग अभी जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, अनंतनाग, तो उधर जाके उधर से पहलगाम जाएंगे। चलिए अभी के लिए ट्रेन जर्नी करते हैं, इधर का एक और एक्सपीरियंस भी भूल गया, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे पर आज पहुँचेंगे। स्टेशन यहाँ से उतर के फिर बस स्टैंड जाना पड़ेगा बोल रहा था, तो इधर से शेयर ऑटो टोटो सब कुछ मिल जाता है, तो लेके जाएंगे। अभी बहुत ही बढ़िया नज़ारा के बीच से अभी आए हैं, तो अभी एक चीज़ देखिए, टाइम हो रहा है 6:49, तो और इधर से ये देखिए शांत से लहरा रही है ना तिरंगा, हर महादेव जय भारत। अभी टाइम हो रहा है 8:31, तो अभी आ पहुँचे हम लोग भोले बाबा के भंडारा में, जो कि अनंतनाग स्टेशन के बगल में एक होता है, तो
उधर ही आए हैं, तो इधर से कल जाएंगे पहलगाँव के लिए। आज तो पहुंच नहीं पाए क्योंकि 4 बजे के बाद ये लोग जाने नहीं देता है। सबको दिखाएंगे इतने देर तक हम लोग ये वाला वीडियो देख लिए हैं, तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और ये वाला वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। तो भोले बाबा का नाम लेके इधर ही ख़त्म करते हैं।